मैं खुद एक फाइनेंस मिनिस्टर गुजरात में रहा हूँ। फाइनेंशियल डिसिप्लिन ये होती है कि जब इंट्रीम बजट आता है, इंट्रीम बजट सिर्फ नई सरकार या कोई संजोग है उसके बाद पूरा बजट आता है। इंट्रीम बजट में घोषणाओं का कोई महत्व नहीं होता है, पर यहाँ पे जैसे डूबता हुआ तिनके का सहारा लेता है, ऐसा इंट्रीम बजट में कुछ घोषणाएं हुई है। अगर आपको करना था तो आपके पास 4.5 साल थे, उस बजट में आप ले आते और छल के अलावा कुछ नहीं है। अगर 5 एकड़ वाले को 6,000 रुपया देना है, आपके तो दिन 60 बचे हैं और 6,000 रुपया देने के लिए आप कहते हो कि वो किस्ती में दिया जाएगा, माने आपके टेन्योर में चुनाव से पहले सिर्फ 2,000 रुपया आप दे रहे हो। उस 2,000 का क्या मतलब होता है? बाकी तो किस्ती देना है, आप तो रहोगे नहीं सरकार में। आपको अगर इनकम टैक्स में भी छूट लेनी है तो एक इंस्पेक्टर राज है कि आपको सब द्यौरा देना है। जो चिंताएं देश की जनता के लिए होनी चाहिए वो 4.5 साल में नहीं हुई। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, हित का टकराव है। भाजपा का कोषाध्यक्ष बजट पेश करता है, वैसे मॉरल और मोदी वो कभी साथ साथ नहीं चलते हैं, वो एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में चलते हैं। वरना मॉरली भाजपा का कोषाध्यक्ष बजट पेश नहीं करना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। पर यहाँ सारी संवैधानिक संस्थाओं को जिस तरह से तोड़ रहे हैं, ऐसा ही है। एक छल के अलावा इस बजट में कुछ नहीं है। आपके और कोई सवाल हो तो उनका सवाल। के किसानों के लिए इन्होंने सिर्फ 5 एकड़ वाले को 6,000, और वो भी अभी नहीं, मैं एकड़ बोल रहा हूँ, हेक्टर नहीं। तो 2 हेक्टर माने एकड़ 5 हुए। हाँ जी, तो उसमें एक किस्ती, माने आपकी सरकार तो अब 60 दिन बचे हैं और किस्ती में दे रहे हो, माने आप चुनाव के बाद पैसा देना है, उसका वादा इंट्रीम बजट में आज करते हो। ये छल है, किसी का कोई फायदा नहीं है। आपको इनकम टैक्स में द्यौरा देना है, माने इंस्पेक्टर राज कर रहे हो कि आपको ठीक लगेगा तो आपको मुक्ति उस हद तक मिलेगी, वरना नहीं। तो मोटे तौर पे इंट्रीम बजट होता है। कभी सरकार ने ऐसा छल नहीं किया है तो फुल बजट लेके आते, ताकि सोर्स ऑफ इनकम और पूरे साल में पैसा कहां से आएगा, कैसे जाएगा, वो हो सकता था। पर पूरा बजट है नहीं, इंट्रीम बजट की लाइन में कोई लेना देना नहीं है।